कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सिंधु बॉर्डर पर शुक्रवार दोपहर में बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और किसान प्रदर्शनकारियों में शुक्रवार को भिड़ंत हो गई। दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। सिंधु बॉर्डर पर स्थानीय लोगों व आंदोलनकारियों के बीच पथराव के चलते कई घायल हो गए, इनमें एक पुलिसकर्मी भी है। वहीं हालात को काबू में करने के लिए वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल का प्रयोग भी किया। इस पथराव में पुलिस सहित कई लोग घायल हो गए। फिलहाल यहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से किसानों के प्रदर्शन के चलते आसपास के ग्रामीणों में काफी रोष है। यहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करवाने का विरोध कर रहे बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग व आंदोलनकारी आपस में भिड़े, जिसके बाद हालात खराब होने लगे। इस दौरान दोनों ओर से पत्थरबाजी हुई। वहीं पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। सिंधु बॉर्डर पर बवाल के दौरान अलीपुर थाने में तैनात SHO पर प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला किया। इसमें उनके हाथ पर तलवार लगी है, जिससे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यही वजह है कि किसानों द्वारा रास्तों को रोककर प्रदर्शन करने के विरोध में स्थानीय लोग भी आ गए। शुक्रवार दोपहर सिंधु बॉर्डर पर कई गांवों के किसानों ने प्रदर्शन कर मांग की कि किसान यहां से जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के इस तरह से 2 महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन करने के चलते न केवल कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि सैकड़ों लोग बेरोजगार तक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।